वालों को झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश नियामक आयोग में बिजली की दरों को लेकर इस जून से सुनवाई होने वाली है। इसमें बिजली कंपनियां दर बढ़ाने की मांग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का दावा है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ता का 22,045 करोड़ रुपए निकल रहा है। ऐसे में अगले 5 साल तक हर साल 7% बिजली दर कम कर दी जाएंगे। आयोग का कहना है कि आमदनी और खर्च में 3,762 करोड़ रुपए का अंतर है। ऐसे में बिजली दर नहीं बढ़ाई गई तो बिजली घाटा बढ़ेगा। कंपनियों का कहना है कि मौजूदा समय साल 2022-23 के लिए 84,526 करोड़ रुपए की जरूरत है। इतना बजट होगा तो पूरे प्रदेश में 63% हिसाब से सप्लाई होगी। सरकार द्वारा घोषित राजस्व सब्सिडी लगभग 14,500 करोड़ रुपए है। ऐसे में आवश्यक विद्युत आपूर्ति की लागत 8,843 रुपए प्रति यूनिट प्रस्तावित किया गया है। पावर कॉर्पोरेशन पहले से ही करीब 97,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। एक साल पहले तक यह घाटा करीब 85,000 करोड़ रुपए तक था, लेकिन यह हर साल बढ़ते जा रहा है। ऐसे में उसको कम करने के लिए बिजली दर बढ़ाने की जरूरत है। 21 जून से होने वाली सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और केशकों की सुनवाई होगी। उसके बाद 22 जून को मध्यांचल, पूर्वांचल की सुनवाई होगी। सबसे आखिर में नोएडा पावर कंपनी की सुनवाई 24 जून को होगी। उसी दिन पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की सुनवाई भी 3 बजे से होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।